उत्तर प्रदेश से मेरठ से आदर्श सिंह हैं, उनका प्रश्न है कि तत्व किसे कहते हैं तथा तत्व कितने प्रकार के होते हैं, इन तत्वों से परिचित करवाएं, ऐसा प्रश्न है। देखिए, तत्व, तत्व किसे कहते हैं? तत्व माने होता है मूल प्रकृति, मूल पदार्थ, दशा, वास्तविकता, ये तत्व के मूल अर्थ हैं। तत्व माने मूल, प्रधान कारण। तत्व कितने विद्वानों ने माने हैं, यही प्रश्न श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से किया था कि तत्व कितने हैं और तत्वों की संख्या कितनी है, देखिएगा, यही प्रश्न है। बाईसवें अध्याय में प्रारंभ में कहते हैं उद्धव, कति तत्वान विश्वेश संख्यातान ऋषि भी प्रभो, हे प्रभो, तत्वों की संख्या कितनी है, क्योंकि विद्वान अलग अलग तत्वों की संख्या का बखान करते हैं। कोई 28 कहते हैं, कोई 26 कहते हैं, कोई 11 कहते हैं, कोई 17 कहते हैं, कोई 16 कहते हैं, कोई 9 तत्व मानते हैं, कोई 3 मानते हैं, कोई 2 मानते हैं, कोई 1 ही मानते हैं। तो इन तत्वों में कौन सी तत्व संख्या सही है तथा वे विभिन्न प्रकार के तत्वों को मानने वाले किन किन तत्वों को मानते हैं और इन तत्वों में भेद क्यों है, क्या इनमें समन्वय हो सकता है, ये प्रश्न है। ऐसा ही उद्धव जी ने भी पूछा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इसका समाधान करते हुए क्या कहा है, देखिए, वहां आप देख सकते हैं श्रीमद् भागवत में कि जो 28 तत्व मानते हैं, 28 तत्व, तो उसमें से 4 तो मूल प्रकृति, पुरुष और अहं तत्व तथा महत तत्व, ये 4 तो ये हैं, पुरुष यानी परमात्मा, प्रकृति और अहं तत्व और महत तत्व, ये और पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और पंच तन्मात्राएं, 20 ये हैं, तो 24 हो गए, और एक मन तथा 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन को मिला करके 28 गुण मानते हैं वे, इस प्रकार परिगणना करते हैं। यानी कि संसार में इन 28 तत्वों से मिलकर के और ये जगत का निर्माण हुआ है, और जो लोग 26 तत्व मानते हैं तो वे कहते हैं कि 4 अंतःकरण और वही पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं, 24 ये हो जाते हैं, और वे जीवात्मा तथा परमात्मा इनको अलग अलग मानते हैं, तो ये 26 तत्व हो जाते हैं। कोई विद्वान जीवात्मा और परमात्मा में अभेद मानते हैं, जीवो ब्रह्मई बना पर, तो फिर 25 तत्व हो जाते हैं, उनकी दृष्टि में संसार में 25 तत्व हैं। कुछ लोग प्रकृति में, इस जगत में 17 तत्व मानते हैं, तो 17 तत्वों को मानने में पंचमहाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच तन्मात्राएं, तो ये 15 हो गए, और एक मन तथा दूसरा आत्मा, तो इस प्रकार 17 तत्वों की परिगणना है। और जो 16 तत्व मानते हैं तो वो पंचमहाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच तन्मात्राएं और एक जो जीवात्मा, मन रूप परमात्मा, उसको एक ही मानते हैं, तो इस प्रकार से 16 तत्वों की गणना है। कहीं कहीं विद्वानों ने 13 तत्वों की परिगणना भी की है, तो वो पंचमहाभूत और पंच ज्ञानेन्द्रिय, एक मन, एक जीवात्मा और एक परमात्मा, इस प्रकार से भी 13
तत्वों की भी गणना की जाती है। कुछ 11 तत्व कहते हैं तो 10 इंद्रियों का कहीं अलग कर लेते हैं ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, और कहीं उनका कर्मेंद्रियों का ज्ञानेंद्रियों में ही अंतर्भाव करके 5 गणना करते हैं, और 5 महाभूत तो 10 हो गए और 1 आत्मा, आत्म तत्व को मिला करके 11 पदार्थों की परिगणना है। कुछ 9 तत्व मानते हैं, 9 तत्व हैं संसार में, तो वो 5 महाभूत और 1 मन, बुद्धि, अहंकार और 1 पुरुष, इसको मिला करके 9 तत्वों की परिगणना करते हैं। इस तरीके से तत्वों की गणना पृथक पृथक है। इति नाना प्रसंख्यानम तत्वानाम ऋषिभिः कृतम सर्वम न्यायम युक्तिमत्वात् विदुषाम किम शोभनम। भगवान कहते हैं कि ये तत्वों की संख्या है विद्वानों के मत में पृथक पृथक अलग अलग भिन्न भिन्न देखने में आती है, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई ठीक है कोई ठीक नहीं है। सर्वम न्यायम, भगवान कहते हैं कि सर्व सभी युक्ति युक्त हैं, युक्तिमत्वात् सर्वम न्यायम, सभी युक्त होने से सभी श्रेष्ठ हैं सभी सही हैं, क्योंकि विदुषाम किम शोभनम, विद्वान जिसको परिगणित कर रहे हैं विद्वान जिसको कह रहे हैं वो कोई गलत थोड़ी हो सकता है, वो सब सही है। तो अब इस पर विचार करिए, देखिए कि विद्वान लोग सभी तत्वों को अलग अलग बता रहे हैं, तो प्रकृति में इतने तत्व हैं किसको सही माना जाए, हम किसको श्रेष्ठ और सर्वोपयोगी माने। भगवान ने तो सबको ही सही कह दिया, तो हाँ देखिए ये सभी सही हैं, सही कैसे हैं इस पर विचार करते हैं। सांख्य 2 तत्वों को मानते हैं, प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति और पुरुष 2 मिलकर के संसार बनता है। सबसे पहले तो प्रकृति है, प्रकृति यानी माया, और ईश्वर है वो सृष्टि का सृजन करते हैं। तो जितने भी पुरुष के अलावा जो भी तत्व हैं वे इस प्रकृति के ही इस माया के ही भेद कर रहे हैं, कोई 5 महाभूतों में उसको व्यक्त कर रहे हैं, आगे सभी को भी परगणना कर रहे हैं ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, और कुछ विद्वान लोग कह रहे हैं कि ज्ञानेंद्रिय हों कर्मेंद्रिय हों या जो तन्मात्राएं हों ये सब 5 महाभूतों से ही प्रकट हैं, तो उन सबका अंतर्भाव 5 महाभूतों में ही कर दिया। और कुछ लोग कहते हैं कि जो भी तत्व हैं वो तो माया के ही है ना, सभी माया में है, तो वो एक को ही गिन लिया, एक उसको गिन लिया माया को और दूसरा पुरुष को, तो 2 हो गए, तो 2 ही तत्व मानते हैं संसार में, प्रकृति और पुरुष मिलकर के इस सृष्टि का सृजन कर देते हैं। पर वेदांत में हमारे यहां तो 1 ही तत्व माना गया है कि वो ही 1 तत्व वो ही ईश्वर सभी जगह व्याप्त है, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, ये जो संसार है वो सब ईश्वरमय है, ईश्वर ही है, जीवो ब्रह्मैव नापरः, भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं जीव ब्रह्म ही है, कोई अलग से सोई सत्तावान है। संसार में जो भी दृष्टमान जगत प्रपंच है वो सब तन्मय है, चिदमय है, ब्रह्ममय है, ब्रह्म ही है, कोई अलग नहीं है। तो फिर तुलसीदास जी भी सरल शब्दों में इसी बात को कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जोग पाने, संसार में जो भी है वो सब भगवद रूप ही है, कोई उनसे अलग नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है सो अनन्य जाके अस मतिन टरय हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। ये जो सचराचर चर अचर मैं ये जो जगत है ये ही भगवद रूप है, ये ऐसी जो दृष्टि रखता है संसार में वही अनन्य है। सो अनन्य जाके असमतिन टरय, वही अनन्य है जिसके ऐसी मति नहीं टरती, सदा विद्यमान रहती है,
कि मैं तो सेवक हूं और सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये जो हमारे स्वामी हैं, हमारे जो है आराध्य हैं, वे चराचर रूप हैं, अर्थात संसार में जो कुछ है वो सब वही है। निज प्रभु मैं देखें जगत कहीं सन करें विरोध, चाहे ज्ञान की दृष्टि से या भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ जित देखूं तित श्याममयी है, सब कुछ भगवानमय है, इसलिए उनसे कोई भिन्न नहीं है। तो जितने भी जो तत्व हैं वो सब माया के हैं और माया भगवान की है, माया उनसे भिन्न नहीं है, वो सब मूल रूप में तो ईश्वर ही है ना, वे ही संकल्प करते हैं एको हम बहु श्याम। मूल रूप में तो सबसे पहले केवल निर्गुण निराकार रूप में भगवान ब्रह्म ही, अखंड सच्चिदानंद घन, वो ब्रह्म ही विद्यमान है। और फिर वो जो है सगुण होते हैं, अपनी माया का आश्रय लेते हैं, जब वो मन में विचार करते हैं कि एको हम बहु श्याम, इसमें अलग बात है कि जब वो जब निर्गुण निराकार थे तो उनके विचार कहाँ से आया, ये इसके ऊपर फिर अलग से चर्चा है जो है कि वो ब्रह्म जो है निर्गुण है वो सगुण क्यों होता है और कैसे जो है फिर सृष्टि का सृजन करते हैं। मूल बात यही है कि वो अपने ही से ही समस्त माया के तत्वों का जो विस्तार करते हैं, फिर अपने में ही विलीन कर लेते हैं। तो कोई भी कितने भी रूपों में उसको विभाजन करें, वे सब विभाजन माया के ही हैं, मूल रूप में तत्व ईश्वर ही है, ब्रह्म ही है, और यही मान करके हम सबको ये सर्वत्र भगवत बुद्धि रख करके ही चिंतन करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। हर हर महादेव।